नमस्कार दोस्तों, YT भारत चैनल पर आज हम एक बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक लेकर के आ गए हैं जो इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, और ये इंफॉर्मेशन है न्यू मैरिड कपल्स के बारे में। दोस्तों अगर आप इस इंफॉर्मेशन को पूरा हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं आपको बताऊंगा न्यू मैरिड कपल सर्च करते हैं हनीमून डेस्टिनेशंस के बारे में पूरे ऑल ओवर इंडिया और पूरे अराउंड द वर्ल्ड में, और वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आप कहां जा सकते हैं। दोस्तों इंडिया में सबसे फेमस डेस्टिनेशन में से एक डेस्टिनेशन है मनाली, जिसमें अभी मैं थोड़े हाल ही फिलहाल होकर के आया हूं मनाली से, जहां पर मैंने जो सीनिक ब्यूटी देखी उसका मैं एक्सप्लेनेशन अपने वीडियो में कर नहीं सकता। ऐसे लग रहा था मानो यूरोप के अंदर मैं आ गया हूं। मैं इंडिया की बहुत सारी जगह पर ऑलरेडी टूर करके आया हूं, लेकिन मनाली जैसी स्नोफॉल और वहां की सीनिक ब्यूटी या वहां का जो एटमॉस्फेयर है वैसा एटमॉस्फेयर पूरी इंडिया में शायद ही कहीं पर हो। इसलिए आज मैं ऐसी धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा मनाली में अगर आप जाना चाहते हैं तो हनीमून पैकेज में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, कितने डेज का ये पैकेज होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना शुरू कर रहा हूं। दोस्तों मैंने एक पैकेज मंगवाया है, मनाली के अंदर एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है जिसका नाम है रॉयल पार्क रिजॉर्ट मनाली। ये नागर रोड पर अवेलेबल है ये रिजॉर्ट, और बहुत ही बड़ा सुंदर रिजॉर्ट है जिसके सामने नदी बहती है ब्यास नदी। दोस्तों 3 नाइट्स का ये पैकेज है, 4 डेज का पैकेज है, 3 नाइट्स आप मनाली में रुकेंगे। और ये जो पैकेज है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है मैं आपको बताने जा रहा हूं वन बाय वन। दिल्ली से मनाली आप जाएंगे वॉल्वो के थ्रू, जो इसी पैकेज में शामिल है। इसके साथ साथ जब आप सुबह मनाली पहुंचेंगे तो आपको वेलकम ड्रिंक दी जाएगी जो नॉन एल्कोहलिक होने वाली है। टी कॉफी मेकर आपके रूम में ही होगा, ब्रेकफास्ट एंड डिनर आपको आपके रिजॉर्ट में ही मिलेगा, इवनिंग टी जो मिलेगी वो स्नैक्स और कुकीज के साथ मिलेगी। इसके साथ साथ आपके घूमने फिरने की बात कर लेते हैं, आपको फर्स्ट डे जिस दिन आप जाएंगे उस दिन आपको 1 डे की हाफ डे की लोकल साइटिंग करवाई जाएगी बाय इंडिविजुअल ऑल्टो कैब के थ्रू। इसके बाद आपको सेकंड डे लेकर के जाया जाएगा सोलांग वैली या आपके रोहतांग पास, जो भी उस टाइम अवेलेबल होगा। गर्मी के दिन चल रहे हैं तो रोहतांग पास खुला होता है, ऑब्वियसली आपको रोहतांग पास लेकर के जाया जाएगा। और अगर आप सर्दियों की बात करें तो रोहतांग पास पूरी तरह से बंद होता है, तो सोलांग वैली आपको लेकर के जाया जाएगा। ये सेकंड डे की बात हो गई। अब थर्ड डे की हम बात करें, उस दिन आपको मणिकरण गुरुद्वारा या नागर कुल्लू के अंदर ले जाया जाएगा, और बीच में जो भी टेम्पल्स होंगे उसके दर्शन भी आपको साथ साथ में करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें आपके पैकेज में इंक्लूडेड होंगी, ट्रेडिशनल गिफ्ट मिलेगा आपको मनाली का जब आप डिपार्चर करेंगे होटल से दिल्ली की तरफ आएंगे। उसके साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री डिस्कोथिक में एंट्री मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री यूज ऑफ जिम एंड इंडोर गेम्स मिलेगा। इसके साथ साथ जो हनीमून का स्पेशल पैकेज है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा वो मैं आपको स्पेशली बता दे रहा हूं। उसमें इंक्लूडेड होगा फ्लावर बेड डेकोरेशन, फ्रूट बास्केट, केसर मिल्क एट नाइट, ए बॉटल ऑफ वाइन, कैंडल लाइट डिनर और केक। तो हनीमून का सारा अरेंजमेंट जो है, जो भी उसके अंदर होना चाहिए, वो आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है पिक एंड ड्रॉप मनाली वॉल्वो बस स्टैंड से, आपको वहीं से पिक किया जाएगा और वहीं पे ड्रॉप किया जाएगा, और उसके बाद आप दिल्ली की वॉल्वो पकड़ेंगे और बैक टू द होम हो जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी इससे जुड़ी हुई और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। YT भारत चैनल पर हम आपके सवाल के जवाब हमेशा देते रहते हैं और आगे भी देंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं YT भारत के अगले इसी तरह के जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।